आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वीवॉश प्लस एक्सपर्ट इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट के बारे में, जो खासकर महिलाओं के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है, जो विजाइनल एरिया होता है उसके हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे जो लेडीज़ की जो बीमारियां होती हैं हाइजीन अच्छे से ना होने की वजह से, साफ सफाई अच्छे से ना होने की वजह से होती है, तो ये स्पेशली एक तरह का लिक्विड सोप मान लीजिए जो खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया है उनके इंटीमेट पार्ट को साफ करने के लिए। तो जान लेते हैं इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये 100 ml और 20 ml के पैक में उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ तक इसके पैकेजिंग और प्राइसिंग की बात है, तो इसकी जो प्राइसिंग होती है 100 ml की, वो होती है लगभग 180 रुपये की, और जो 20 ml का जो पैक आता है वो होता है 45 रुपये का। और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या जो जनरल स्टोर होते हैं वहाँ पे इजीली मिल जाता है। ये बेसिकली इसका जो यूज होता है महिलाओं के द्वारा, जो उनकी जो विजाइनल एरिया होती है उसकी साफ़ सफाई के लिए किया जाता है। ये बेसिकली जो विजाइनल एरिया होता है उसका जो pH बैलेंस होता है 3.5 होता है, लेकिन अगर आप साबुन का यूज़ करते हैं तो उसका pH लेवल बहुत ज़्यादा होता है, 7.5 के आसपास होता है, जिसके वजह से pH इम्बैलेंस हो जाता है और उसके वजह से योनि में खुजली, जलन या जो अनहाइजीन के वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं में, खासकर योनि के आसपास, वो सारी दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप वीवॉश का यूज़ करते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रहेगा, साफ सफाई मेंटेन रहेगा। खास करके महिलाओं के जो मासिक चक्र होता है उसके दौरान बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, उसको मेंटेन करने के लिए, साफ सफाई को मेंटेन करने के लिए। बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पेशाब में जलन, खुजली, दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, यहाँ तक कि जो लिकुड़िया की प्रॉब्लम होती है अनहाइजीन के वजह से होती है, साफ सफाई अच्छे से ना होने की वजह से, कपड़ा लेने की वजह से होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम से ना हो तो उसके लिए वीवॉश का यूज़ किया जाता है। ये बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट होता है, इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, नेचुरल होता है। इसमें मुख्य घटक के रूप में सी बैक्थ्रोन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, टिट्री ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल करने से किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है और इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जहाँ तक इसके इस्तेमाल करने के तरीके की बात है, तो जैसे आप साबुन का यूज़ करते हैं वैसे ही आपको इसका यूज़ करना होता है। अपने हथेली पे 4-5 बूंदे लेकर के अपने जो योनि का जो एरिया है अंदर, आपको इसका यूज़ नहीं करना होता है, योनि के बाहरी हिस्से पे आपको इसको लगा करके यूज़ करना होता है और पानी से साफ़ कर लेना होता है। ध्यान रखना ये ज़रूरी होता है कि आपको योनि के अंदर नहीं जाए, ये बाहर बाहर ही आपको सफाई करनी है बस, और अच्छे से उसको पानी से साफ़ कर लेना है। इसका वीवॉश का वाइप्स भी आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं पोंछने के लिए, नहीं तो आप पानी से साफ़ कर लीजिए, बस हो जाएगा। बस इस तरह से आप इसका सप्ताह में 2 से 3 दिन या वीकली आप जरूर यूज़ करें, एक बार सप्ताह में ज़रूर यूज करें, ताकि आपके जो pH बैलेंस है उस एरिया का वो मेंटेन रहे और आपको किसी तरह की जो प्रॉब्लम होती है उस एरिया में वो नहीं हो। तो एक बहुत ही अच्छा है हाइजीन के लिए, बहुत अच्छा है, साबुन से बेहतर है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरे सभी वीडियोज को आप देख सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।